नमस्ते जी, कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। और आज का जो टॉपिक है वीडियो का, वो है कॉकरोच। क्या आप भी परेशान हैं कॉकरोच से? किचन में छोटे छोटे से कॉकरोच हो जाते हैं, या कहीं भी अलमारी में जहाँ डार्क पैलेस होता है, मतलब वॉश बेसन के नीचे, सिंक के नीचे, आपने देखा होगा। मैंने कईयों से सुना है कि हमारे यहाँ कॉकरोच हैं बहुत ज़्यादा। मेरे यहाँ है नहीं, लेकिन अभी एक दो रोच ना नाली में से अंदर आ रहा था, तो मैंने देखा भाई ये तो बहुत ज़्यादा, अगर कहीं अंडे दे दिए इसने तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने एक परमानेंट इलाज किया है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी कर लीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ वो कि क्या है। अगर आप उसको कर लेंगे तो कॉकरोच आपके घर से ना कोसों दूर भाग जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। जैसे आज आपने किया है तो एक दो दिन तो वो दिखाई देंगे, क्योंकि वो आएंगे, उसको खाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन एक दो दिन आने के बाद वो फिर नहीं आएंगे वापस, क्योंकि जो आएगा वो खा के जाएगा तो वो मर जाएगा। फिर जो नया आएगा ऐसे ही वो धीरे धीरे करके रास्ता भूल जाएंगे और मर जाएंगे। तो इसलिए आपको ये उपाय करना चाहिए, अगर आपको अच्छा लगे तो करना। तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो उपाय। देख लेते हैं कॉकरोच का खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये बोरिक एसिड है, ये वाला बहुत फाइन पाउडर होता है, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, या आप किराना की दुकान से भी ले सकते, जहाँ से आप राशन लेते हैं ना, ये वहाँ पे भी आराम से मिल जाएगा। ये वही वाला पाउडर है, जब कई बार अचार ख़राब हो जाता है ना तो अचार में डाल देते हैं, बहुत पतला सा पाउडर होता है, तो यही बोरिक एसिड होता है। मेरे पास देखो ये पहला भी रखा है, ये तो कम से कम एक साल पुराना है, पिछले साल थोड़ा अचार में मिलाया था, तो ये वही बोरिक एसिड है। तो आप ये छोटा पैकेट भी ला सकते हैं, और इसका बड़ा पैकेट भी मिलता है। अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो मैं लिंक दे दूंगी वीडियो के नीचे, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये बोरिक एसिड हम ले लेंगे 2 चम्मच, ये 2 चम्मच हमें लेना है। इसमें ज़रा सा बचा है, इसे भी मैं डाल लेती हूँ। ये 2 चम्मच बोरिक एसिड लेने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच अरारोट। अरारोट आता है, आप सभी समझते हैं, अगर अरारोट नहीं है आपके पास तो आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं, मैदा, फूल मैदा जो होती है, 2 चम्मच आप फूल मैदा डाल लीजिए अरारोट की जगह, तो वो भी यही काम करेगी। और ये है 1/2 चम्मच बूरा, चीनी भी ले सकते हैं आप। इसकी महक से वो कॉकरोच इसको खाने के लिए आएंगे मिठास की वजह से, और अगर इसे चिट्टियाँ खाएंगी चिट्टियाँ भी मर जाएंगी, तो ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है। और इसको ना आप थोड़ा थोड़ा 1-2 चम्मच पानी डालते हुए मिक्स कर लेंगे। और अरारोट और बोरिक एसिड जो है, ये जैसे इनको कॉकरोच खा लेते हैं तो उनका ना पेट में ये जम जाता है जाके, और तो उनका पाचन तंत्र ख़राब हो जाता है उससे, तो ये वो मर जाते हैं। और जैसे एक आया है वो खा के चला गया, वो मर गया, अगले दिन दूसरा आया तो वो भी, तो इस तरह इनकी साइकिल ना टूट जाएगी। वो जो मतलब रास्ता याद हो जाता है उनको, वो रास्ता भूल जाएंगे, फिर आएंगे ही नहीं, तो एक के साथ कहीं आ जाते हैं और ना ही वो अंडे दे पाएंगे आपके घर में। तो देखो ये एक टाइट सा डो बना लिया है मैंने, हमारा 4-4.5 चम्मच सामान था, उससे एक छोटी लोई सी बन गया। अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे इस तरह, इस तरह इसको ऐसा टाइट सी करते हुए गोलियां सी बना देंगे। और ये अभी आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि गोलियां बन नहीं रही है, थोड़ी देर बाद बहुत टाइट हो जाता है, जैसे टॉफी होती है ना इस तरह का हो जाएगा, बिखरेगा नहीं। तो आप इस तरह करते हुए सारे आटे की इसकी पतली पतली सी गोलियां बना लें। और ये आपको कहाँ कहाँ रखना है अभी मैं वो भी आपको बताऊँगी। तो आप इस तरह जहाँ भी आपके घर में ज़्यादा कॉकरोच लगते हों, कि आपको यहाँ से आ रहे हैं, या बाथरूम में हैं, या फिर सिंक के नीचे कहीं भी हैं, वहाँ आप इसको रख दीजिए इन गोलियों को। ये दीवार पे भी आराम से चिपक जाएंगी, तो जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो मैंने ये सारी गोलियाँ बना ली है, और अभी मैंने हाथ वगैरह नहीं धोए हैं, मैं ऐसे ही इनको पहले रख दूँगी, उसके बाद हाथ वगैरह धोऊँगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्हें रखना कहाँ कहाँ है। जैसे ये आप ये जगह देख लीजिए, मैं अपनी किचन में आपको रख के दिखाती हूँ। तो यहाँ एक गोली मैंने इसमें कॉर्नर में डाल दी, और आगे से सामान लगा दिया, क्योंकि कॉकरोच दीवारों पर ऐसे किनारे किनारे ही चलते हैं। और जैसे ये चीनी का डब्बा है, एक गोली मैं इसके पीछे डाल दूँगी यहाँ पर, ये यहीं रखी रहेगी, और यहीं पर मैं साइड में डब्बा खिसका दूँगी। तो जहाँ थोड़ा सा अंधेरा होता है वहीं ज़्यादा आते हैं कॉकरोच। एक गोली इधर इस कॉर्नर में भी रख दूँगी, हालाँकि मेरे घर में कॉकरोच है नहीं,
वो तो एक दो मुझे दिखा, पता नहीं कहाँ से नाली वगैरह में से आ गया था। एक यहाँ मैं माइक्रोवेव के पीछे भी डाल दूंगी, तो वो जिधर को भी जाएंगे उन्हें सब तरफ यही खाने के लिए मिलेगा, और इसे खाएंगे तो वो उनका पेट खराब हो जाएगा। ये देखो सिंक के साइड में डस्टबिन जा रखते हैं, या एक गोली में यहाँ पे चिपका दूंगी, क्योंकि कई बार इधर भी वो आते हैं खाने की तलाश में ही घूमते हैं वो, और बल्कि गंदा लगता है जब आते हैं। ऐसे ही अंडर जो गैस है, मतलब अलमारी में नीचे कॉर्नर में एक एक दो दो गोली में डाल दूंगी, जहाँ सामान रखा रहता है, तो इधर कोनों में वो घूमेंगे तो भी उन्हें मिलेगा है। ऐसे ही जहाँ अपनी दालों वगैरह के डब्बे रखते हैं आप अलमारी में, अगर आपके यहाँ हैं तो आप ऐसे डब्बों के सबसे पीछे एक रख दें, और डब्बे इसके पास रखे रहेंगे, और इससे बोरिक एसिड से आपको कोई नुकसान नहीं है, ये आपके लिए जहर नहीं है, क्योंकि हम अचार में भी इसको डाल कर रखते हैं, उस अचार को हम खाते भी हैं। ऐसे ही आप ये क्रोकरी की, आपकी ये जो अलमीरा वगैरह है जहाँ आप क्रोकरी रखती हैं, तो उसमें भी आप इसको ये ऐसे अगर जाल है तो ऐसे साइड में चिपका दीजिए, क्योंकि कॉकरोच इसकी महक से अपने आप इसके पास आ जाएंगे। तो आप इस तरह दो तीन जगह, और ये अंडर सिंक है जहाँ सिंक होती है उसके नीचे की जगह तो नमी रहती है, तो ना यहाँ भी मैं इसको नीचे ना रख के ऐसे दीवार पे थोड़ा सा चिपका दूंगी। देखो ये मैंने यहाँ पे चिपका दिया दीवार पे, वो चिपक गया है, तो वो अब जब उन्हें नीड होगी वो यहीं से खा लेंगे। और अगर आपको ये नहीं करना है कि आपके पास बोरिक एसिड नहीं है, तो जो पूजा वाला कपूर होता है ना, ये दूसरा तरीका है कॉकरोच को भगाने का। तो ये जो पूजा वाला कपूर होता है ना, छोटे वाली डब्बी गोली गोली सी भी आती है, और ये है वो एक साथ जो आता है इसको, मतलब जुड़ा हुआ आता है, मैं 100 ग्राम लेके आती हूँ तो मेरे काफ़ी दिन चल जाता है ये। तो आप इसके इस तरह टुकड़े कर लें, और आप इसकी जगह वो भी रख सकते हैं जो छोटी छोटी गोलियाँ आती हैं, तो चाहे तो आप वो रख दें डब्बी वाला, तो इस तरह इसकी महक से भी कॉकरोच नहीं आते हैं। तो आप इस तरह इसे भी रख सकते हैं, ऐसे जगह जगह इसको थोड़ा थोड़ा रख दीजिए, अलमारियों में रख दीजिए, जैसे इस अलमारी में एक पीस, इसमें भी एक पीस, सब अलमारियों में एक एक पीस रख दीजिए, तो उससे भी उसकी महक से भी कॉकरोच नहीं आएंगे। नहीं तो आप थोड़ा सा ये कपूर और थोड़ा सा सिरका, सफ़ेद सिरका पानी में मिला लीजिए और उसको स्प्रे कर दीजिए, तो उससे भी कॉकरोच नहीं आते हैं। तो आपको जो आइडिया अच्छा लगे आप वो वाला कर सकते हैं, और करके ज़रूर देखना एक बार आप, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे, और इसे आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। और ज़रूरी नहीं है आपको यही वाला कपूर लेना, आप छोटी वाली जो गोल डब्बी आती है उसमें छोटी छोटी सी गोलियाँ आती है वो भी रख सकते हैं, जैसे आपके पास हो वैसा आप रखें। और जी अगर आपको मेरा ये उपाय पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपने अगर इसको किया है तो क्या आपके घर के कॉकरोच भाग गए हैं या मर गए हैं। और इस सब में आपको 3 दिन से 4 दिन का समय लग सकता है, ज़्यादा ज़्यादा 1 हफ्ता मैक्सिमम, इसके बाद आपके घर के सारे कॉकरोच ख़त्म हो जाएंगे। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मिलती हूँ फिर किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड नमस्ते।